आज श्री धाम वृंदावन में बरुतनी एकादशी के दिन भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। चारों तरफ से श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आए और ये सुबह का समय है। बिल्कुल सुबह के समय में जब भीड़ नहीं होती है, रास्ते बिल्कुल खाली मिलते हैं, उस समय पर रात में जिन श्रद्धालुओं ने परिक्रमा लगाई वो श्रद्धालु सुबह निकल पड़े और रोड चारों तरफ से जाम हो गया। अटल्ला चुंगी पर भी बहुत ही ज्यादा भक्तों का सैलाब था और हम काफी मुश्किलों के साथ में अनेकों गलियों में होकर हम आए और हमने जब परिक्रमा की तो हमें लगभग 1 बज गया और हमारे पैर इतने ज्यादा जल गए। इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई आज परिक्रमा करना कि जिसका कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। घंटों तक तो पहले इस जाम में फंसे रहे। आज वृंदावन धाम की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। चलते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन आपको कराते हैं। संपूर्ण इस ब्रज के प्रमुख स्थान वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा कराएंगे, एक एक जगह के दर्शन आपको कराएंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। ठाकुर जी का पूरा विग्रह चंदन से, उनके पूरे विग्रह पे चंदन लगाया जाएगा। उसके पश्चात जो है पायलों का विशेष उस दिन महत्व होता है। उसी दिन ठाकुर जी पायल धारण करते हैं जिसमें दर्शन भी भक्तों को होते हैं। पायल जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। आज एकादशी के महापर्व पर हम आए हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा हेतु, लेकिन आज यहाँ श्री धाम वृंदावन में 1 से 2 किलोमीटर का बहुत लंबा जाम लगा हुआ है और उसी जाम के साथ में आज हम वृंदावन की संपूर्ण परिक्रमा करेंगे। एक बार अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको मानसिक जो प्राप्ति होगी वृंदावन की परिक्रमा की वो यही होगी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि अपने मन में अगर आपने मानसिक यात्रा की, केवल 10 मिनट तक ही आपने अपनी आँखों को बंद करके रखा और उस यात्रा का आँख बंद करके विचरण कर लिया तो वो परिक्रमा का भी आपको संपूर्ण फल मिलता है। इसी तरीके से परिक्रमा को अंत तक जरूर देखें जिससे आपको संपूर्ण परिक्रमा का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, अभी हम खड़े हुए हैं गोरे दाऊजी मंदिर पर, यहीं से हम परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। वैसे हम परिक्रमा आगे अटल्ला चुंगी है वहाँ से प्रारंभ करते थे, लेकिन वहाँ पर जाम की स्थिति बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी खड़े होने की भी जगह नहीं है। इसीलिए हम वापस होके अनेकों गलियों में घूम घाम के इस स्थान पर आ चुके हैं, यहीं से अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ गोरे दाऊ जी के दर्शन हैं। गोरे दाऊ जी के दर्शन होने के बाद हम आगे परिक्रमा में बढ़ते हैं। ये आप कर रहे हैं श्री गोरे दाऊ जी के बहुत ही भव्य दर्शन। इसी से आगे हम अपनी परिक्रमा को करते हैं प्रारंभ और सबसे पहले आप गोरे दाऊ जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद आगे के दर्शन भी आपको संपूर्ण रूप से हम कराते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिक्रमार्थियों के लिए निकलने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। चारों तरफ से 1-1, 2-2 किलोमीटर तक पूरा जाम फैला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी फंसा दी है और आगे बढ़ाता ही जा रहा है, रुकने नहीं के नाम नहीं ले रहा है। इस तरीके की यहाँ पर दिक्कतें हो रही हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो भारी समस्या यहाँ पर हो रखी है क्योंकि उसने कार वाले ने अभी हमें ही पिछल दिया। तो इस तरीके की यहाँ पर व्यवस्थाएँ, पूरी व्यवस्थाएँ फैल हो गई हैं वृंदावन धाम में। बड़े ही सुंदर दर्शन आप यहाँ पर ठाकुर जी के कर रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य। और ये परिक्रमा मार्ग में थोड़ा सा ही चलने के बाद अटल्ला चुंगी से थोड़ा चलेंगे तो लाइन की पटरी आती है, वहीं पर ये श्री कृष्ण धाम है जो कि अपने आप में बहुत ही भव्य यहाँ पर दर्शन होते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये है श्री राधा किशोरी धाम और यहाँ पर चल रही है संतों की सेवा, श्रद्धालुओं की सेवा। यहाँ सेवा करने वालों की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ आपको इस परिक्रमा में सेवा का भाव करने वाले अनेकों व्यक्ति मिल जाएंगे। और ये आप देखें बड़ा ही सुंदर भाव आज श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा में आप देख सकते हैं। अभी हम आ चुके हैं गौरी गोपाल आश्रम में और यहाँ पर भी कुछ श्रद्धालु हैं जो दंडवत परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं और लगातार इस परिक्रमा को करते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पर भी व्यवस्था होती है खाने पीने की,
इस गौरी गोपाल आश्रम में भी श्रद्धालुओं के लिए, साधुओं के लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था होती है। यहाँ पर पंडाल है और इधर की तरफ में अभी नया ये कथा स्थल बन रहा है। ये श्री धाम वृंदावन का एक ऐसा मंदिर है जो रास्ते से थोड़ा अलग है और अनेकों भक्त यहाँ माता जी के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक हैं। तो ये यहाँ पर वृक्ष है, इसी वृक्ष के पास में ही यहाँ पर श्री राधा और कृष्ण जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हैं। ये आप दर्शन कर रहे हैं, कितने अलौकिक और दिव्य दर्शन आज आप श्री धाम वृंदावन की पावन भूमि से कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं और आगे परिक्रमा में। ये श्री राधा और श्री कृष्ण जी का कुआं है, इसमें अगर राधा बोलते हैं तो श्याम की आवाज़ आती है, ऐसा यहाँ पर बहुत ही आवाज़ दे के देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं, ये है रमण रेती पुलिस चौकी, सामने ही रमण रेती पुलिस चौकी है और इधर चले जाते हैं हम सीधे बांके बिहारी जी के लिए और आगे हम चलते हैं श्री परिक्रमा वृंदावन धाम की परिक्रमा में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा परिक्रमा मार्ग भरा हुआ है और रोड पर भी अनेकों वाहन खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याओं का सामना भी श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है। अभी आप देख रहे हैं ये एक तरफ से परिक्रमा लग रही है और दूसरी तरफ प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ पर ये श्रद्धालु खड़े हुए हैं। जैसे ही प्रेमानंद जी महाराज आएंगे, वो रात में आते हैं और दिन में गाड़ी में बैठकर जाते हैं, तो गाड़ी में केवल मात्र एक झलक पाने के लिए ये श्रद्धालु सुबह से खड़े हो जाते हैं और लगभग 10 बजे तक महाराज जी आ जाते हैं। तो इसी रस्सी के साइड में यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनके दर्शनों के लिए इंतज़ार करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं अभी हम आ चुके हैं केली कुंज पर, यहीं पर केली कुंज है जिस आश्रम में महाराज जी रहते हैं। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पर महाराज जी निकलने ही वाले हैं और तब इन भक्तों को दर्शन देंगे। तो केवल एक झलक पाने के लिए रात में भी ये श्रद्धालुजन यहाँ पर खड़े रहते हैं और दिन में भी यहाँ पर झलक मिल जाए बस एक। अभी आप ये देख रहे हैं ये है वरहा घाट और इस वरहा घाट से लेकर और भक्ति वेदांता हॉस्पिटल तक पूरा यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए यात्रीगण खड़े हुए हैं। तो इसी गली से निकल के आते हैं महाराज जी, अभी उस वाली दूसरी गली में काम चल रहा है और यहीं पर केली कुंज है, सामने ही आप ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है श्री हित राधा केली कुंज। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं राधा और निताई श्री गौर हरि जी के दर्शन हैं और यहाँ पर गोवर्धन महाराज जी के दर्शन हैं और ये यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता प्रचार हेतु यहाँ पर बहुत ही कम कीमत में आपको मिल जाती है। तो इसी तरीके से हम अभी आ चुके हैं मदन टेर पर, वृंदावन के उस स्थान पर जहाँ पर प्रभुपाद जी की गौशाला है और हमने इस परिक्रमा को पूरी किया है पैदल चल के। अभी आधी परिक्रमा हमारी हो चुकी है और बढ़ते हैं, आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं इस वृंदावन धाम की परिक्रमा के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेकों श्रद्धालु चल रहे हैं आगे की तरफ और उनके साथ में अब हम भी चलते हैं और आप लोगों को भी इस परिक्रमा में मानसिक यात्रा करने का जो फल प्राप्त होगा वो आप 10 से 15 मिनट अपनी आंखों को बंद करके इस परिक्रमा को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ठाकुर जी का स्मरण करें, राधा राधा श्री कृष्ण जी बोलते चलें और आपकी संपूर्ण परिक्रमा इसी तरीके से होती रहेगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम वृंदावन के काली दह स्थान पर आ चुके हैं जहाँ से श्री कृष्ण जी यमुना जी में कूदे थे और ये वही स्थान है जहाँ
अमृत कलश भी है, तो कराते हैं इस अमृत कलश के बहुत ही दिव्य दर्शन। ये कालीदेह स्थान है और ये 5000 साल से भी पुराना वृक्ष है। कहा ऐसा जाता है कि ये सतयुग में जब गरुण जी आए थे तो उनके पास में यहाँ एक अमृत कलश था और उस अमृत कलश के भी इसी वृक्ष में दर्शन हैं। यहीं से इसी वृक्ष पर श्री कृष्ण जी ने पैर रखा और जहाँ पे पैर रखा वो स्थान भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो चलते हैं इस कदम वृक्ष की तरफ। यही वो स्थान है जहाँ से श्री कृष्ण जी कूदे थे। ये देखें, ये अंदर से पूरा खोखला है ये वृक्ष। अगर आप अंदर से देखेंगे तो अंदर से ये वृक्ष पूरा खोखला है और यहीं से श्री कृष्ण जी ने कदम रखा और सीधे पहुंच गए श्री यमुना जी में। तो यही वो पुराना कदम का वृक्ष है और आप यहाँ पर देखेंगे, कदम की डाल बैठी नंदलाल, गेंद उछार सखा संग खेले हरी। अगर आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ, यही वो अमृत कलश है। इसी अमृत कलश की वजह से ये वृक्ष आज भी सुरक्षित है। तो बढ़ते हैं, इस परिक्रमा को पूरी करते हैं इस कदम वृक्ष की। अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले कालिया देह के पास ही कालिया मर्दन मंदिर है और यहाँ आप दर्शन करेंगे श्री कृष्ण जी और कालिया नाग और उनकी पत्नी। यहाँ पर कालिया नाग के ऊपर हैं तो यहाँ के सेवायत जी से जानते हैं इस मंदिर के दर्शनों के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही दिव्य और अलौकिक ये मंदिर है। अभी यहाँ के सेवायत जी उमाशंकर त्रिपाठी जी हमें मिल चुके हैं, उनसे जानते हैं विशेष इन दर्शनों के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। दर्शन मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में ठाकुर जी हैं, राइट साइड में कालिया है। कालिया नाग की भी दोनों पत्नियां हैं। जब भगवान कालिया को मुष्ट परिहार करने लगे तो उनकी पत्नियां स्तुति करती हैं कि हे प्रभु, हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए, हम आपकी जमुना जी को छोड़ करके रमणद्वीप चले जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण के पौत्र बजनाभ जी द्वारा स्थापित है, पौत्र बजनाभ जी द्वारा स्थापित है, बोली कालिया मर्दन भगवान की। तो बढ़ते हैं इस परिक्रमा में और आगे की तरफ। जब भी आप परिक्रमा करने आएं तो यहाँ के दर्शन आप जरूर करके आएं। मन को जो शांति प्राप्त होती है वो ऐसे दर्शन करके मन प्रसन्न हो जाता है, मन शांत हो जाता है और वृंदावन आने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। राधे। अभी हम आ चुके हैं बांके बिहारी जी और स्नेह बिहारी जी के दर्शनों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शनिवार का दिन है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है। वैसे तो शनिवार का जब दिन होता है तो ये रास्ता पूरा श्रद्धालुओं से भर के चलता है और यहीं जो ये रास्ता है, इस रास्ते में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। विद्यापीठ चौराहे तक श्रद्धालु यहाँ लगे हुए होते हैं, लेकिन आज दोनों तरफ से श्रद्धालु चल रहे हैं, बीच में कोई रेलिंग भी नहीं है और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है भीड़ कम होने के कारण। चलते हैं। आप देखेंगे ये गौतम पारा वाली गली है जो भरी हुई है और ये बिहारी जी का गेट नंबर 3 की तरफ हम पढ़ रहे हैं। अभी हम स्नेह बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं और ये वो पतली गली है जिस गली से होकर घंटों
श्रद्धालु जन इंतजार करते हैं, लेकिन आज ही घंटों की क्या चल रही है, लगभग 10 से 12 मिनट में ही हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब जिस तरीके से लाइन चल रही है, जिस तरीके की भीड़ है, इस भीड़ में बहुत ही आराम से सुलभ तरीके से हम बांके बिहारी जी के आज दर्शन कर पाएंगे, समाधान होने लगता है। जैसा कि आप यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं इसने बिहारी जी के, तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के दर्शन बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए, और फिर हम पुनः परिक्रमा में पहुँच जाएंगे, फिर वहाँ से परिक्रमा प्रारंभ हो जाएगी और परिक्रमा में जितने भी मंदिर पढ़ने वाले हैं उन सब के दर्शन आपको कराते चलेंगे। अभी हम बांके बिहारी जी के मंदिर में आ चुके हैं और अच्छे तृतीया पर क्या यहाँ पर होने वाला है ठाकुर जी की सेवा में, तो जानते हैं यहाँ के सेवाएं जी से। अभी ऋतिक गोस्वामी जी हमारे साथ में हैं, जानते हैं ठाकुर जी की अच्छे तृतीया पर क्या विशेष यहाँ आयोजन होने वाला है। राधे राधे। अक्षय तीज का जो उत्सव है इस वर्ष 10 मई का मनाया जाएगा, जिसमें ठाकुर जी के विशेष चरणों के दर्शन होंगे सबको भक्तों को। उस दिन ठाकुर जी का पूरा विग्रह चंदन से, उनके पूरे विग्रह पे चंदन लगाया जाएगा। उसके पश्चात जो है पायलों का विशेष उस दिन महत्व होता है, उसी दिन ठाकुर जी पायल धारण करते हैं, जिसमें दर्शन भी भक्तों को होते हैं। पायल वैसे भी पहनते हैं पर जो है उस दिन दर्शन पायल के विशेष उसी दिन होते हैं ठाकुर जी के। इसके अलावा लड्डुओं का भोग लगता है। चरणों के दर्शन उस दिन बांके बिहारी जी के होने हैं, तो बड़ा अच्छा सुंदर दर्शन हुआ। अगर अंदर से समर्पण हो, हृदय में समर्पण हो, तो ऐसे ही दर्शन देते हैं। मैं तो एक भी बात, हमारा कोई चांस नहीं था, लेकिन बस अंदर हृदय में था कि दर्शन करना था, कोई प्लान नहीं था, हम कहीं और जा रहे थे, बस मन में हुआ कि बांके बिहारी के दर्शन करेंगे और इतना सुंदर दर्शन होगा कभी सोचा भी नहीं था। तो राधे राधे राधे, सबका ध्यान रखे, कोई किसी को राधे 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 राधे। श्री हरिदास जी के ये वो दर्शन है, इन्हीं श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, और ये दर्शन हर व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं। जो ऊपर आता है, ऑफिस में आता है, वही व्यक्ति हरिदास जी के दर्शन। हम आ चुके हैं श्रृंगार घाट पर और ये परिक्रमा काफ़ी लंबी हो चुकी है, क्योंकि हम दर्शन करते हुए चल रहे हैं। इस वीडियो में आप सभी स्थानों के दर्शन कर पाएंगे, जितने घाट वृंदावन पड़ते हैं, मंदिर परिक्रमा मार्ग में जितने भी पड़ते हैं, जिसमें बांके बिहारी जी के भी प्रमुख दर्शन हैं, वो दर्शन भी आप करेंगे। और अभी आपने दर्शन कर सकते हैं श्रृंगार घाट बिहारी जी, चलते हैं यहाँ से और आगे की तरफ। और श्रद्धालुओं का सैलाब इतना कम है कि यहाँ पर ये दूसरा गेट था इसको भी खोल दिया गया है, किसी भी गेट से जाके ठाकुर जी के दर्शन श्रद्धालु जन कर रहे हैं। और आपने भव्य फूल बंगले के दर्शन किए, भंडारा है, पढ़ते हैं आगे परिक्रमा की तरफ।
देवताओं के वस्त्र चुराए थे उसी वृक्ष के अब हम आपको कराएंगे दर्शन, क्योंकि ये सामने की तरफ ही अगर आप देखेंगे तो यहीं से निधमन के लिए चले जाते हैं और इससे थोड़ा सा ही आगे वो पवित्र वृक्ष हमें देखने को मिलेगा, तो कराते हैं उसके भी दर्शन। और ये अगर आप देखेंगे तो ये है सिद्ध झाड़ूमल, यहाँ के भी बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन हैं यहाँ। ये देखें, यही वो स्थान है जहाँ पर कपड़े चुराए थे श्री कृष्ण जी ने, और यही वो लीला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चित्रों के माध्यम से आप ठाकुर जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर अभी ठाकुर जी गए हैं श्रृंगार के लिए और इसी वृक्ष पर बैठेंगे अभी। यहाँ पर ये जो आप ये चुन्नी देख रहे हैं, इसी स्थान पर ठाकुर जी आके विराजमान हो जाएंगे और फिर सभी भक्तों को दर्शन देंगे। तो अगर ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यही वो कपड़े हैं उन गोपिकाओं के। साथियों, अभी हम आ चुके हैं वृंदावन की कुंज गलियों में जहाँ से होके लगती है परिक्रमा। तो आप ये देखेंगे, यही वो गलियाँ हैं जिन्हें कुंज गली के नाम से जानते हैं। ये देखें, यहाँ होके लगती है परिक्रमा। श्री कृष्ण जी की ये पावन भूमि है और पहाड़ आई थी तो ये पूरा यमुना जल से ही भरा हुआ था। हमने इसी जगह से वीडियो बनाया था, यहाँ ऊपर से ही वीडियो बनाया था, ऊपर तक यमुना जी चल रही थी और ये पूरा भरा हुआ था जल से। तो ये आप देखेंगे, यहाँ से निकल के हम वापस आ जाते हैं, ये बाहर ऐसे निकल आते हैं। और यहीं पर बंदर भी हैं। ये देखें, बहुत ही पुराना ये रस रानी महाआरती घाट है, केसी घाट। यहीं पर श्री कृष्ण जी ने केसी दैत्य को मारा था, ये वही केसी दैत्य का घाट आज यहाँ पर मौजूद है। आ चुके हैं श्री यमुना जी मंदिर में और यहीं पर यमुना मैया जी विराजमान हैं। ये छोटी सी कुंज गली है, इस कुंज गली में से निकलते हुए आगे की तरफ परिक्रमा कर रहे हैं। ये देखें आप, ये यहाँ पर अनेकों नाव हैं, राधे राधे के नाम से यहाँ पर जप हमेशा चलता रहता है और श्रद्धालु जन इस परिक्रमा को करते रहते हैं। रात में भी ये परिक्रमा चलती है। तो हमारी परिक्रमा लगभग 7 किलोमीटर की हो गई है और हमारी जितनी क्षमता थी, पहले हम लगभग 20 किलोमीटर तक लगातार चल लेते थे, लेकिन आज धूप होने की वजह से हालत ख़राब हो गई है। पैरों में छाले भी होने की शायद संभावना है, ऐसा लग रहा है जैसे चल रहे हों। और अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं, 12 बजे का अभी समय हो चुका है और 12 बजे कड़ाके की धूप होती है। आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि धूप ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम धूप है और इसमें हम ये संपूर्ण परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में जो मंदिर थे उनके हमने दर्शन भी किए जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आप जब परिक्रमा देते हैं और कष्ट आपको न हो तो वो परिक्रमा का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जो मानसिक यात्रा होती है उस मानसिक यात्रा में आप आंखें बंद करके इस यात्रा को कर सकते हैं। और मोटरसाइकिल से भी कभी परिक्रमा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता है, वो केवल और मात्र दर्शन है। जब तक आप ब्रज की रज में नहीं आएंगे और इस ब्रज की रज में नहीं डूबेंगे, इस ब्रज की रज में आपके चरण नहीं चलेंगे, तब तक आपको फल मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो अभी हम आ चुके हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, क्योंकि जब आप पैदल परिक्रमा करते हैं आपको कष्ट होता है तो आपके जो पाप होते हैं वो पाप धुलते हैं, और जब आपके पाप धुलते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होती है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल से आएंगे, कार से आएंगे, तो वो एक निमित्त दर्शन मात्र ही माना जाएगा। और अभी जगन्नाथ जी के दर्शन यहाँ बंद हैं, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ क्योंकि 12 बज चुके हैं और 12 बजे ब्रज में ज़्यादातर मंदिर के दर्शन के जो पट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, जिसकी फिर अब लगभग 4 बजे 4:30 बजे और बांके बिहारी जी 5:30 बजे खुलते हैं। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं, धूप भी यहाँ पर निकली हुई है, रोड भी गर्म काफ़ी हो रहा है और अब
चलना मुश्किल हो गया है। लगभग 3 किलोमीटर की और परिक्रमा बची है, तो आप बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए शरबत पिलाया जा रहा है और हमारे साथ में एक श्रद्धालु जुड़ चुके हैं। परिक्रमा हम साथ में करते रहेंगे और उनसे वार्तालाप करते हैं। आखिर इस ब्रज चौरासी कोस की, इस वृंदावन की महिमा क्या है, क्यों लाखों श्रद्धालु आज श्रीधाम वृंदावन में आते हैं, तो जानते हैं उनसे इस भाव को। हाँ देखो, ये जो वृंदावन का जो हमारी ब्रज का जो जो पर्व है, ये एक बहुत अलौकिक है, बहुत प्राचीन है। ये हमको संकेत करता है, हम सब लोगों को, कि इसके भाव में रह करके इसका ब्रज में चलते हुए अपने शरीर के जो कुछ भी हैं तत्व, वो अपने ब्रज में ही रहें, मेरा यही कहना है। और देखो, राधे राधे ये ब्रज के मालिक हैं, हमारी जो श्री राधा बरसाने वाली जी हैं, वो हमारे ब्रज की हैं। आपने सुना होगा नगरकोट वाली मैया, वहाँ पर भी ब्रजेश्वरी लिखा हुआ है। तो हम सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि हमारे जो ये ब्रज में जो रहने वाले लोग हैं, सभी जो है एक सबसे पहले तो खान पीन पर बहुत ध्यान रखें, स्वस्थ खाना, स्वस्थ रहना, स्वस्थ बोलना, ये हमारे जो ब्रज की महिमा है, पुरानी कथनीय महिमा ही यह है। ये थोड़ी सी पहले लोग इसको गुमराह कर रहे थे, लेकिन फिर का दोबारा से इसका जो समय के अनुसार योगी राज में इसका बहुत भव्य आनंद मिल रहा है लोगों के लिए, और कोई परेशानी नहीं है। बोलो श्री राधे राधे। जैसा कि आपने इस भव्य परिक्रमा की कथा को सुना, तो बढ़ते हैं आगे के दर्शनों के लिए। साथियों, आज आपने जिस आनंद रस को प्राप्त किया है, उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।